जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आपके पसंदीदा चैनल थर्ड आई क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन में हमारा टॉपिक खत्म हो चुका था 2D का। 2D में क्या क्या खत्म हुआ था? ट्रायंगल खत्म हो गया था यानी त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली आकृति, चतुर्भुज खत्म हो चुका था, चार भुजाओं वाली आकृति, और हमने वृत्त पढ़ा था, हेक्सागन यानी समषष्ठभुज पढ़ा था, और फिर अर्धवृत्त पढ़ा था, त्रिज्यखंड पढ़ा था। लेकिन बच्चों एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर पाई का यूज क्यों करते हैं? पाई का वैल्यू होता है दोस्तों 22/7। सर फॉर्मूला में, जैसे कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 2πr बच्चों, और कहीं पर लिखवाया था मैंने πr² तो बच्चे ने पूछा कि सर पाई को हम यूज क्यों करते हैं? बेटा पाई इज अ रेशियो, पाई एक अनुपात है बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, यानी कि परिधि और व्यास, परिधि और व्यास का ये अनुपात है। जैसे मैं आपको एक वृत्त बना दूं, ठीक है, वृत्त बना करके मैं बोल दूं कि इसका व्यास, ये हिस्सा 7 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। तो जो इसकी परिधि होगी वह होगी 22 सेंटीमीटर। ये रेशियो है। अब ये 7 14 हो सकता है तो फिर 22 44 हो जाएगा। जैसे मैं दूसरा एक वृत्त बना दूं, बड़ा वृत्त बना दूं, जिसमें मैं आपसे बोलूं कि यहां पर जो ये डायमीटर है बेटा वह आपका 14 सेंटीमीटर है, तो जब ये डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा तो जो परिधि है वह हो जाएगी 22 गुना 44 सेंटीमीटर, क्योंकि जब इसके अनुपात में 2 गुना की वृद्धि हुई तो इसके मान में भी 2 गुना का वृद्धि होगा। मेरी बात को बड़े ध्यान समझिएगा। अब अगर मैं बोल दूं कि यह 14 ना होकर के यह 35 सेंटीमीटर है, यानी यहां पर अगर एक बार d की वैल्यू मैं 14 लूं और यहां पर एक बार मैं d की वैल्यू 35 लूं मेरे दोस्तों, और यहां पर मैंने d की वैल्यू 7 लिया, तो जब d की वैल्यू 7 होगी तो परिधि यानी सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर होगा, और जब d की वैल्यू 14 होगी तो 22 गुना 44 होगा, और जब d की वैल्यू 7 × 35 यानी इस d की तुलना में 5 गुना है तो इस 22 का भी 5 गुना हो जाएगा, और यहां से परिधि निकल कर आ जाएगी 20 × 100 × 2 × 10 = 110 सेंटीमीटर मेरे भाइयों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पाई का यूज क्यों होता है। पाई इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, यानी पाई हमारा परिधि का और व्यास का अनुपात है। पाई हमारा परिधि का और व्यास का क्या है? अनुपात है। पाई में जो 22/7 माना, बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि क्या जो सर बता रहे हैं वो सच में ऐसा है क्या? बिल्कुल, देख लीजिए, आप मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूं परिधि का। परिधि का फॉर्मूला क्या मैंने लिखा है दोस्तों? 2πr लिखा है। और जरा यहां पर देखो, और मैं 2πr लिखूं या फिर मैं पाई डी भी लिख सकता हूं, जरा देखो क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया था त्रिज्या का 2 गुना बराबर होता है बेटा व्यास। तो यहां पर देखो r है और 2 है, यानी त्रिज्या का क्या है? 2 गुना है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? व्यास लिख सकता हूं। यानी मैं कह सकता हूं कि बेटा जो हमारी परिधि होती है ना, वह 2πr भी हो सकती है और पाई डी भी हो सकती है मेरे भाई, समझ रहे हैं? 2πr भी हो सकती है और पाई डी भी हो सकती है। और अगर हमसे बोल दिया कि कोई वृत्त है जिसकी व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि बताइए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यहां पर पाई का मान रखेंगे 22/7 और व्यास हमको दे रखा है 7, तो 7 और 7 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आया दोस्त? 22 सेंटीमीटर। और यहां पर ऑलरेडी मैंने आंसर 22 सेंटीमीटर ले रखा है, और वो कहां से लिया था? पाई का मान 22/7 जो होता है वह परिधि और व्यास का अनुपात होता है। अब मैं अगर बोलूं कि सर ये वाला लेकर, बच्चे ने बोला कि सर 14 सेंटीमीटर लेके बताओ, तो मैं अगर 14 सेंटीमीटर लेके बताऊं मेरे भाई, तो जरा ध्यान रखिएगा, मैं सीधे ये फॉर्मूला ले रहा हूं पाई डी किसके लिए? परिधि के लिए। तो पाई का मान कितना मेरे भाई? 22/7। अब यहां पर डी का मान मैं क्या लूंगा? 14 लूंगा। तो जब 7 से 14 कटेगा, 7 × 14 22 × 44 सेंटीमीटर। तो मैं इतना क्यों करूं जब मुझे मालूम है किसी वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास मालूम है और हमसे परिधि पूछेगा तो बस हम डबल कर देंगे 22 का। हम देखेंगे कि जो हमें वृत्त का व्यास दिया है वह 7 के कितना गुना पर दिया है? 7 के 2 गुना पर दिया है, तो परिधि को भी 2 गुना कर देंगे। 7 के 5 गुना पर दिया है तो परिधि को भी 5 गुना कर देंगे। तो ये कल मयंक की क्वेरी थी, मयंक ने पहड़िया बनारस से है बच्चा, वो उसने हमसे पूछा था कि सर पाई क्यों यूज करते हैं। तो पाई को बस सीधा सीधा ये समझ लो कि पाई का जो मान 22/7 है वह परिधि में और व्यास में संबंध, अनुपातिक संबंध बताता है, जहां पे परिधि का मान 22 होता है मेरे भाई और व्यास का मान कितना होता है? 7। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो अगर किसी क्वेश्चन में व्यास दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना, क्या दे रखा है?
व्यास दे रखा है, तो वो देखते हैं कि वो व्यास 7 के कितना गुना पर है। तो जितना गुना पर होता है 22 को भी उतना गुना पर कर देते हैं तो परिधि निकल जाती है दोस्तों। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और बात पूछी गई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट कर लें। आज हमारा मेंसुरेशन में प्रश्न अभ्यास सेकेंड पार्ट, यानी प्रश्न अभ्यास पहला हमने पढ़ा था जिसमें 22 क्वेश्चन थे, आज हम प्रश्न अभ्यास सेकेंड लेंगे जिसमें हम लोग सर्कल पढ़ेंगे यानी वृत्त पढ़ेंगे, सेमी सर्कल पढ़ेंगे यानी अर्धवृत्त पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे सम षटभुज यानी हेक्सागन पढ़ेंगे। उससे संबंधित सारे प्रश्नों को आज हम यहाँ पर हल करेंगे और आप कॉपी पेन लेकर उसे नोट करेंगे दोस्तों। मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, मिलते हैं कुछ समय बाद। हाँ तो दोस्तों अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास 2 पर, यानी जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पर आधारित प्रश्नों पर हम आते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि दे रखा है, मैं आपको एक वृत्त बना देता हूँ और वृत्त का ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से यहाँ तक जो है ये आर है, कल मैंने बताया दिया आर रेडियस होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या, और ये हमारा डायल होता है, परिधि होती है या फिर सरकमफेरेंस होता है, और परिधि कितना दे रखा है दोस्तों 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर दिया है। तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए। और पाई का मान तो आप सभी जानते हो 22/7 होता है। अब फिर मैं यहाँ पर पहले ना परिधि के थ्रू क्या निकालूंगा, त्रिज्या निकालूंगा, क्या निकालूंगा, और परिधि होती क्या है मेरे दोस्त 2πr, परिधि होती क्या है 2πr, यानी कि हम पाई की जगह मान रख सकते हैं डायरेक्ट 2π की जगह 22/7 गुणे आर। तो अब जरा देखो 22 गुना 44 तो 44 से 44 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 22 गुना 44 और 44 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचा एक बचा 7, इधर आकर गुणा हो जाएगा, जहाँ से आर का मान निकल कर आएगा 7 सेंटीमीटर दोस्तों। आर का मान देखिए क्या निकल कर आया 7 सेंटीमीटर निकल करके आया। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर है, जहां पर हम पाई का मान रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब दो बार आपस में गुणा, यानी 7 गुणे 7, 7 से 7 क्या हो गया दोस्तों कैंसिल हो गया। तो जब 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 7 गुना 14 के 4 हाथ में लगाए, 7 गुना 14 14 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह इस वृत्त का क्या आ गया दोस्तों क्षेत्रफल आ गया। तो पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमको परिधि दिया है तो पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में हमको मालूम क्या होना चाहिए आर, आर क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या कहाँ से निकलेगी परिधि से निकलेगी, परिधि से हमने 2πr फॉर्मूला डायरेक्ट रखा, पाई का मान 22/7 रखा, 22 गुना 44 44 44 कट गया एक बार में, 7 × 1 = 7, r का मान 7 सेंटीमीटर आ गया यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई। तो जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई तो उस त्रिज्या को हम क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रख देंगे, तो पाई का मान 22/7 है तो 22/7 रख दिया, आर का मान कितना आया दोस्तों 7 आया है, तो स्क्वायर क्या होता है दो बार आपस में चीजों का गुणा होता है, तो 7 गुणे 7 7 7 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, जब 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पर आता हूं मेरे भाई, यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, ध्यान दीजिएगा वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, मैं दो वृत्त बना ले रहा हूं ठीक है, पहले ये हमारा वृत्त का ये त्रिज्या है, फिर दोबारा जब दोगुनी करी गई तो ये त्रिज्या हो गई ठीक है। मैं यहां पर कह देता हूं कि ये त्रिज्या हमारी पहले r थी और जब त्रिज्या को दोगुनी की गई तो त्रिज्या हो गई 2r, दोगुना का मतलब यही ना हुआ दो गुना, किसी चीज में दो का गुना कर देना, तो पहले त्रिज्या r थी फिर दो गुना हुआ तो 2r हो गया ठीक क्लियर। अब मैं बात करता हूं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, तो जरा यहां देखो, जरा यहां क्षेत्रफल क्या होता पाई आर स्क्वायर यानी जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर, तो त्रिज्या का स्क्वायर हो गया, अब यहां पर क्षेत्रफल क्या होगा पाई, लेकिन यहां पर त्रिज्या क्या है 2r है, तो यहां पर सिर्फ r का स्क्वायर किए, यहां पर पूरे 2r का स्क्वायर करेंगे ठीक है ना, 2r का स्क्वायर करेंगे। अब रेशियो की बात हो रही है तो यहां पर हमारा ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है और यहां पर हो जाएगा 2 × 4, ध्यान दीजिएगा पाई आर स्क्वायर है, यहां वर्ग करेंगे 2 का तो 2 × 4 और ये पाई पाई रहेगा ही, और यहां पर हमारा हो गया आर स्क्वायर, यानी 1πr² से 4πr² हो गया, यानी हमारे क्षेत्रफल में 4 गुना का परिवर्तन हो गया, ध्यान दीजिएगा हमारे क्षेत्रफल में 4 गुना का परिवर्तन हो गया। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं क्वेश्चन, मैं पहले एक वृत्त बनाया
जिसमें त्रिज्या मैंने आर रखा, मैंने दोबारा जब वृत्त बनाया तो त्रिज्या को दोगुना किया, बोला त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो 2R होगा। फिर मैं बात करता हूँ कि इसका क्षेत्रफल क्या, अगर त्रिज्या R है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब त्रिज्या को दोगुना किया गया तो त्रिज्या तो 2R हो गया, अब फिर क्षेत्रफल क्या, पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, और त्रिज्या की जगह क्या है 2R है, तो पाई 2R का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पहले पाई आर स्क्वायर था, अब 4 पाई आर स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया। यही हमारा आंसर है दोस्तों। मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं, इत्मीनान से ध्यान से समझ करके नोट करिए, मिलते हैं 5 सेकंड के बाद। तो दोस्तों हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो हम पहले सर्कल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम सर्कल के अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए दोस्तों, ठीक, तो 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 कर दी जाए, यानी पहले त्रिज्या 3 थी, पहले त्रिज्या 3 थी, अब कितनी कर दी गई, 1 कर दी गई। हमेशा प्रारंभिक मान नीचे होता है जिससे तुलना की जाती है। तो वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी गई, तो पहले की त्रिज्या 3 थी और अब की त्रिज्या कितनी है, 1 है। मैं आपको वृत्त बना लेता हूं पहले, दो अलग अलग, यानी ये हमारा हो गया पहले वाला वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी थी, 3 थी, ये हमारा हो गया अब वाला वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो उसका पहले वाले का कितना भाग होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल, यानी दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है, ये होना चाहिए था उसका क्षेत्रफल पहले का कौन सा भाग होगा। तो मैं बात करूं, ये हमारा पहले वाला है वृत्त और ये हमारा अब वाला है वृत्त, ठीक है। तो पहले वाले वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो यहां पर क्या है, 3 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा 3R हो गया और ये हमारा 1R हो गया, मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम बात करते हैं पाई, तो आर की जगह पूरा 3R है, तो 3R का क्या स्क्वायर ना, तो पाई 3R का स्क्वायर, और यहां पर ये सिर्फ पाई आर स्क्वायर, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा 3 3 9, यानी हम कह सकते हैं 9 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर हमारा सिर्फ क्या है, पाई आर स्क्वायर है, सिर्फ क्या है, यानी पहले वाली वृत्त की त्रिज्या 9 पाई आर स्क्वायर है और अब वाले वृत्त की त्रिज्या सिर्फ पाई आर स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि अब वाले वृत्त की त्रिज्या पहले वाले का कौन सा भाग है, तो 9 का सिर्फ एक ही भाग है, यानी हमारा आंसर होगा 1/9 भाग। हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1/9 भाग। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, अगर ट्रिकी में जाएंगे हम तो 1/3 जो दिया है दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो 1 1 = 1 3 9। देखिए जरा ट्रिकी में अगर हम जाएंगे तो त्रिज्या का ही स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो 1 1 = 1 और 3 3 = 9, यानी कि अब का क्षेत्रफल 1 है और पहले का क्षेत्रफल क्या है, 9 है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट कितना आ गया दोस्तों, 1/9 आ गया। और ये तो मैं चित्र बना के समझाने की बात कर रहा हूँ, तो अगर ट्रिकी अप्रोच में जाएंगे तो बस इतना करेंगे कि अगर 1/3 का फर्क पड़ रहा है तो जो है अब की त्रिज्या 1 है, पहले की त्रिज्या 3 है, त्रिज्या का स्क्वायर ही तो क्षेत्रफल है, तो 1 1 = 1 3 3 9, यानी अब का क्षेत्रफल 1 है और पहले का क्षेत्रफल कितना है, 9 है, यानी हम कह सकते हैं 1/9, ये हमारा आंसर आ गया सिर्फ इतना में। मैं अगर ट्रिकी अप्रोच की बात करूंगा तब, इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था दोगुना वाला, वो भी ऐसे ही था सिस्टम कि दोगुना हो गया, तो 1 1 = 1 2 2 4, यानी अब का क्षेत्रफल 1 और उस समय का क्षेत्रफल 4, यानी क्षेत्रफल में 4 गुना का परिवर्तन हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं और जो ये मैं बता रहा हूँ ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे मैं बात करूं, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है मेरे दोस्त, एक अर्धवृत्त को पहले बनाना पड़ेगा आपको। मैं यहां पर आपके लिए एक अर्धवृत्त ले लेता हूं जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब बेटा ये पूरा, तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो हमारा त्रिज्या यानी रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है उसका परिमाप बताइए और क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल तो मैंने बोला था कि पूरे का आधा होगा, यानी हमारा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का, तो इसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा बात को, मैं यहां पर पाई का मान लेता हूं 22/7, चूंकि आधा करना है तो 1/2, और आर के जगह क्या है, 7 सेंटीमीटर है, चूंकि स्क्वायर है तो 7 × 7, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा,
फिर 2 से 22, 11, 12 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब 11 और 7 बचा, तो 11 × 7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या आ गया दोस्तों, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर मैं बात करूं परिमाप की, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों परिमाप की, तो परिमाप मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रिकी अप्रोच से जाएंगे तो हमारा परिमाप है 36/7R, 36/7R। तो अब अगर हम इस ट्रिक में जाएंगे, ये रटा हुआ अगर हमको है, तो हम R का मान डायरेक्ट रख देंगे, क्या करेंगे, तो R का मान कितना है, 7 है, तो R का मान अगर 7 है तो 36/7, 7, 7 कैंसिल, हमारा परिमाप कितना आ गया, 36 आ गया। लेकिन जो मैंने आपसे बताया है, मैंने आपसे क्या बताया है, मैंने आपसे ये बोला है दोस्तों कि परिमाप जो होता है वह पाई आर होता है और आर प्लस आर होता है। ध्यान दीजिएगा, पाई आर होता है और आर प्लस आर होता है। तो मैं यहां पर इसको ले ले रहा हूं पाई आर यानी 22/7, फिर आर यानी 7 प्लस 2R, तो 7, 7, 14, 7 से 7 क्या हो गया दोस्तों, कट गया, 22 और 14 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं यहां फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको मैं कल कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पे फॉर्मूला था दोस्तों, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। आपको यह समझना है, या तो आप 36/7R परिमाप का फॉर्मूला रट लो, या फिर आप ये दिमाग में रखो कि जब पूरा वृत्त होता है तो 2πr होता है, पूरा वृत्त होता है तो कितना होता है, 2πr होता है। अब आधा वृत्त है तो सिर्फ क्या होगा, πr होगा। अब आधा वृत्त है तो सिर्फ क्या होगा, πr होगा। और उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो ये r है और ये भी r है, तो r r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये भी हमारा परिमाप ही है, तो वही चीज़ मैंने वहाँ लिख दिया है पाई आर, पाई का मान 22/7, आर की जगह मैंने रखा 7 प्लस 2R, तो R 7 है तो 2R 7 × 14, काट पीट कर जोड़ दिया तो आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। तो मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, आराम से क्वेश्चन नोट करिए। इसको आप ट्रिकी अप्रोच से भी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर 1/3 1 × 1 = 3 करके। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए आप। तो दोस्तों अब हम आते हैं, वृत्त का हो गया, अब हम आते हैं त्रिज्यखंड पे। कहाँ आते हैं, त्रिज्य खंड पे। तो त्रिज्य खंड क्या था, मैंने बताया था एक केक होता है, केक को हम कैसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं त्रिज्या की तरह, ऐसे चाकू लगाते हैं, ऐसे चाकू लगाते हैं और केक को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसे त्रिज्य खंड बोलते हैं। अब ये देखना है कि केक छोटा काट रहे हैं, अपने लिए काट रहे हैं तो केक बड़ा काटते हैं, दूसरों के लिए काट रहे हैं तो छोटा काटते हैं, तो दूसरों के लिए काटते हैं तो कोर छोटा हो जाता है, और अपने लिए लेना होता है तो बड़ा, एकदम कोई है नहीं देख करके बड़ा सा काट लेते हैं, एकदम बड़ा डिग्री 60 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो ये मैंने आपसे बताया था कि वृत्त कितने डिग्री का होता है मेरे भाई, 360 डिग्री का होता है। अच्छा, यहां पर जो मैं ये त्रिज्यखंड निकाल रहा हूं कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, यानी मैं इस 360 डिग्री में से 30 डिग्री बाहर निकाल रहा हूं, इस 360 डिग्री में से 30 डिग्री बाहर निकाल रहा हूं। और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, त्रिज्यखंड की लंबाई यानी परिधि, त्रिज्यखंड की लंबाई यानी परिधि, सिर्फ ये पूछ रहा है कि जो ये त्रिज्यखंड कटा है यानी त्रिज्य के द्वारा जो वृत्त कटा है इसकी बात कर रहा है, इसकी बात, ये सिर्फ त्रिज्यखंड की लंबाई बताइए। तो त्रिज्यखंड की लंबाई के लिए मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि आप जरा ध्यान रखिएगा, ये हमारे परिधि में से तो कट रहा है, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होता है, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होता है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं त्रिज्यखंड की लंबाई बराबर 2πr, ठीक। अब यह देखना है कि क्या पूरा 360 डिग्री ले लिया है या 360 डिग्री में से कुछ हिस्सा लिया है, तो जरा देखो 360 डिग्री में से कितना लिया है, 30 डिग्री, यानी मैं यहां पर जो लूंगा 2πr × 30 डिग्री / 360 डिग्री। और हमारा जरा देखो वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है दोस्तों। अब मैं बात करूं कि फॉर्मूला में मान रखा जाए तो 2 और π का मान कितना, 22/7, और त्रिज्या हमारी कितनी है, 21 है, तो यहां कितना रखेंगे, 21। अब यहां पर जरा देखो 0 से 0 कट गया, 3 × 3 = 12 × 36 यानी 1/12। यहां पर हम 1/12 का गुणा कर दे रहे हैं, देखो जरा बड़ा ध्यान से, 7 से मैं काट रहा हूं, 7 × 3 = 21, अब 3 से मैं 12 को काट रहा हूं, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। अब ध्यान दीजिएगा मैं 2 से 4 को काट रहा हूं, 2 × 2 = 4, फिर ध्यान दीजिएगा मैं 2 से 11 को काट रहा हूं, 22 को, तो 2 × 11 = 22, यानी हमारा यहां पर आंसर कितना आया, 11 सेंटीमीटर आया। और यह 11 सेंटीमीटर क्या है,
त्रिज्य खंड की लंबाई है मेरे दोस्तों, या 11 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्य खंड की लंबाई है। मैंने कल की क्लास में यानी पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, त्रिज्य खंड की लंबाई कैसे निकलती है। जो त्रिज्य खंड की लंबाई होती है वो इस वृत्त में से ही तो निकला है, यानी इस वृत्त का ये जो पूरा डायल है, परिधि है या सर्कमफेरेंस है, उसी में से तो ये हिस्सा बाहर निकल रहा है। तो वही पूछ रहा है कि इस त्रिज्य के द्वारा जो वृत्त का खंड बटा है उसकी लंबाई बताइए। तो उसकी लंबाई हमारे दोस्तों कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर हुआ ना। वीडियो को पॉज कर रहा हूँ 5 सेकंड के लिए, क्वेश्चन नोट करिए आप। हाँ तो दोस्तों हम त्रिज्य खंड के अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सामने प्रदर्शित चित्र, यानी ये जो चित्र प्रदर्शित किया गया है इसमें त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है और केंद्र में कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताने का मतलब हो गया जो मैं शेडेड रीजन में कर दे रहा हूँ उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल की। मैंने बोला था क्षेत्रफल इसका भी वही होता है जो वृत्त का होता था। मैंने बोला था कि इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब ये देखना है कि यह पूरे 360 डिग्री का है या इस 360 डिग्री में से कुछ हिस्सा है। तो जरा देखो पूरा 360 डिग्री और 360 डिग्री में से कितना निकल रहा है, 90 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूं यह 90 डिग्री 360 डिग्री में से निकल रहा है। तो पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। 0 0 खत्म हो गया, 9 1 9 4 36 1/4 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर पाई का वैल्यू डायरेक्ट ले रहा हूँ मेरे भाई, 22/7। अब जरा देखो 22/7 क्या है, बताया था मैंने 7 व्यास अगर होगा तो परिधि जो होगी वह 22 होगी। बस एक दिमाग में रखिएगा कि पाई का वैल्यू जो होता है वो एक रेशियो होता है परिधि और वृत्त के व्यास में। अच्छा अब बात करते हैं आर का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 14 दे रखा है। तो 14 हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्यों 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर है। तो 7 से 14 को काटेंगे, 7 × 14 हो गया। अब यही हमारा, और फिर हमारा 1/4 भी यहाँ पर दे रखा है, तो 2 से हम काटेंगे, 2 × 4 हो गया। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 × 7 = 14 हो गया। तो अब हमारा ये सब कट पिट गया, तो 7 × 14 के 4 हाथ में लगा 1 7 × 14 = 5 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल किसका, त्रिज्य खंड का। किसका, त्रिज्य खंड का। दोस्तों अभी आज रात के 1 बज रहे हैं, आज पूरे दिन हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया तो वीडियो शूट करने के लिए, इसलिए मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कोई है नहीं तो अगल बगल वाले सोच रहे हैं कि क्या पढ़ा रहा है भाई, रात में कैसा आवाज़ आ रही है, कहीं भूत ऊत तो नहीं पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक लग रहा हूँ ना। बस पढ़ना है आपको बस त्रिज्य खंड, यानी वृत्त का ऐसा खंड जो त्रिज्यों के द्वारा बांटा गया हो। बस कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये सर हमारा फॉर्मूला है, हमारा आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ, हमने वृत्त पढ़ लिया, हमने अर्धवृत्त पढ़ लिया, हमने त्रिज्य खंड का भी क्वेश्चन लगा लिया। अब हम आएंगे समषटभुज के सवालों पर। मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं, आप क्वेश्चन नोट करिए मेरे भाइयों। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है समषटभुज पर आधारित। समषटभुज मतलब सम समान, षट छे भुज मतलब भुजाएं, छे समान भुजाओं वाली आकृति को समषटभुज कहते हैं। तो समषटभुज का पहला क्वेश्चन है, पहले तो मैं समषटभुज आपको बनाकर दिखा देता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 मैं मान लेता हूं कि ये सारी भुजाएं आपस में क्या है दोस्तों, समान है। ये 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 और ये, यानी अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। मैंने आपसे बताया था कि अगर मैं इनके विकर्णों को खींचता हूं, और एक दूसरे से मिलाता हूं तो यहां पर एक ऐसी आकृति बनकर के तैयार होगी जहां पर ये एक अलग त्रिभुज, ये अलग त्रिभुज, ये अलग त्रिभुज, ये अलग त्रिभुज और ये 6 अलग अलग त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज बनकर के तैयार होंगे वह समबाहु त्रिभुज होंगे। जैसे मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो ये समबाहु त्रिभुज है, सभी समान भुजाओं वाली आकृति के त्रिभुज हैं। और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताया गया है आपको दोस्तों, क्षेत्रफल के लिए कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर एक समबाहु त्रिभुज का। लेकिन यहां पर कितने समबाहु त्रिभुज हैं, 6 हैं, तो एक समबाहु त्रिभुज का इतना, तो 6 समबाहु त्रिभुज के लिए 6 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे डायरेक्ट। तो यहां पर फार्मूला रटना नहीं है, अगर आपको समबाहु त्रिभुज का फार्मूला याद है तो आप इसका भी फार्मूला खुद से निकाल सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट मान रखता हूं यहां पर
तो कड़ी में 3/4, ठीक। भुजा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पर भुजा कितना दिया है, कड़ी में 3/4 भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का मैं डायरेक्ट वर्ग करके लिख दूं दोस्तों, 12 × 12 = 144, और यहां पर हम यहां पर 6 का भी गुणा करके लिख देते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं 2 × 2 = 4, और ये लिखता हूं 4 से पूरा कट जाएगा दोस्तों, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 2 × 4 = 24, 4 × 6 = 24, तो 6 × 6 = 36, 36 × 6 हाथ में लगा 3, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 21, 216 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आया हमारे इस हेक्सागन का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जो समषड्भुज होता है, समषड्भुज को जब हम विकर्णों के द्वारा बांटते हैं तो वह 6 समान समबाहु त्रिभुज में बटती है, और एक समबाहु त्रिभुज का फार्मूला कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होगा, तो जब 6 समबाहु त्रिभुज होंगे तो 6 का गुणा हो जाएगा, और हम यहाँ पर भुजा का वैल्यू रख दिए और हल किया तो 216 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस हेक्सागन का या इस समषड्भुज का क्षेत्रफल है दोस्तों। अब बात करें, एक समषड्भुज है, इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है, और अब आप तो क्षेत्रफल निकालने में महारत हासिल कर ही लिए हो दोस्तों। क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर गुणे 6 गुना क्यों, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, तो 6 के लिए 6 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्षेत्रफल दे रखा है 54 कड़ी में 3, तो इसके बराबर मैं रख देता हूं 54 कड़ी में 3 दोस्तों। कड़ी में 3 इस पार, कड़ी में 3 इस पार, कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। अब जरा देखो, 6 से 54 कट जाएगा, 6 × 9 = 54। देखो, जान लो एक बात, जब हर तरफ गुणे भाग का ही निशान हो, प्लस माइनस का ना हो, यहाँ पर कहीं प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ऊपर ऊपर चीजें कट जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर कड़ी में 3 काट दिया, 6 से 54 को 6 × 9 = 54 काट दिया, तो ऊपर ऊपर चीजें कैंसिल हो जाती हैं दोस्तों, ठीक। लेकिन इस बात का ध्यान देना कि कहीं प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ नीचे 4 बचा ऊपर 9 बचा, तो 4 × 9 = 9 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचा, भुजा का स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे भुजा का स्क्वायर बराबर 4 × 9 = 36, भुजा का स्क्वायर बराबर 4 × 9 = 36। और मैंने आपसे बताया था, जब स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है, कड़ी लग जाती है, जब स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाती है, कड़ी लग जाती है, और कड़ी में से कोई चीज जोड़ा बन के पेयर बन के बाहर आता है, यानी 36 वैसा कौन सा नंबर है जिसका 2 बार गुणा करने पर 36 आया है, तो 6 का देखो, 6 × 6 = 36, 6 कितनी बार है, 2 बार है, यानी 36 में 6 का पेयर बन रहा है, तो 6 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर 6 बाहर आ जाएगा। और जो हमसे पूछा था कि भुजा बताइए, तो हमारा भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर, भुजा हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान से आराम से समझिए, क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर गुणे 6, और वास्तव में क्षेत्रफल 54 कड़ी में 3 दिया है, तो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर वास्तविक क्षेत्रफल रख देंगे, जो जहां कट रहा है काट देंगे, कड़ी में 3 कैंसिल हो गया, हमारा यहां 6 बचा तो 6 × 9 = 54 हो गया, नीचे 4 है, 4 उधर जाकर गुणा हो जाएगा पक्षांतर होकर के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके, तो 4 × 9 = 36 हो गया, और यहां क्या बचा है, भुजा का स्क्वायर। और जब स्क्वायर होता है दोस्तों, तो स्क्वायर हटाते हैं तो कड़ी लगता है, तो स्क्वायर हटा तो यहां क्या लग गया, कड़ी में 36 हो गया, और कड़ी में से बाहर पेयर बनकर चीजें आती हैं, तो 36 में 6 का पेयर है, देखो 6 × 6 = 36, तो 6 बाहर आ गया, और इस समषड्भुज का भुजा हमारा 6 सेंटीमीटर निकल कर आया दोस्तों। आराम से मैं वीडियो 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं, क्वेश्चन नोट करिए आप दोस्तों। अब हम समषड्भुज के अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समषड्भुज का विकर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो जरा मैं बना लेता हूँ फिर से समषड्भुज, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बनाने में, इसे इतनी आदत हो जाए आपको। अब मैं इसका विकर्ण खींच रहा हूँ दोस्तों, क्या खींच रहा हूँ, विकर्ण। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ आके मिलेगा, ये यहाँ आके मिलेगा, और ये यहाँ आके मिलेगा, ये समषड्भुज का विकर्ण है। तो जरा ध्यान रखिएगा, जो विकर्ण है, अब ये क्या है, हमारी भुजा है ए, ए ये सभी हमारी क्या हैं, भुजाएँ हैं, और जब हमारा, मैं एक हिस्सा ले रहा हूँ सिर्फ, ये त्रिभुज ले रहा हूँ, ये वाला, तो जब ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है, क्या है, तो ये भी हमारा ए और ए होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ए और ए होगा। अब चूंकि विकर्ण बराबर बराबर करते हैं, तो ये भी हमारा ए होगा, यानी सब ए ए ए आपस में होते चले जाएंगे, यानी एक विकर्ण की बात करें तो ए प्लस ए, यानी हम कह सकते हैं विकर्ण बराबर ए का 2 गुना, हम यहां लिख दे रहे हैं,
हम कह सकते हैं विकर्ण बराबर दोगुना भुजा, किसमें? समषटभुज में। यानी हम कह सकते हैं कि समषटभुज में जो भुजा होती है उसका दोगुना कर देंगे तो उसका विकर्ण आ जाएगा, या फिर विकर्ण का आधा कर देंगे तो भुजा आ जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, या फिर मैं विकर्ण का आधा कर दूं तो क्या आ जाएगा दोस्तों? भुजा आ जाएगा। देखो अब हमें यहां पर क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल पहले लिख लेते हैं कि समषटभुज का क्षेत्रफल होता कितना है। तो ये हमारा होता है कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर गुणे 6, गुणे 6 समझी गए, एक समबाहु त्रिभुज का फार्मूला इतना है तो 6 का गुणा कर देंगे। ठीक दोस्तों, अब बात आती है कि जो विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर, इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा? भुजा आएगा, क्योंकि हमें भुजा निकालेंगे तभी क्या निकल पाएगा? क्षेत्रफल निकल पाएगा। भुजा निकालेंगे तभी क्षेत्रफल निकल पाएगा। अब भुजा कहीं दिया नहीं है, हमें क्या दिया है? विकर्ण दिया है। कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। तो जब 16 सेंटीमीटर विकर्ण दिया है तो इसका आधा कर दो, विकर्ण का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? भुजा आ जाएगा। यानी यहां से हमारी जो भुजा निकल कर आई वह आई 8 सेंटीमीटर। अब मैं फॉर्मूले में मान रखता हूं कड़ी में 3/4, अब भुजा के अगर रख देता हूं 8 8 64 और गुणे 6, 8 भुजा का मान है तो भुजा का स्क्वायर 8 8 64, 4 से काट दें 16 चौक के 64, और यहां बचा 16 छ 96 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस समषटभुज का क्षेत्रफल, जिसका हमें विकर्ण दिया था 16 सेंटीमीटर, और जब हम विकर्ण का आधा करते हैं समषटभुज में तब भुजा निकल कर आता है दोस्तों। तो विकर्ण का आधा किए तो भुजा हमारा आ गया कितना? 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा एक तरीका हो गया कि विकर्ण के जरिए हम समषटभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आगे बात आती है 7 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। परिवृत्त का क्षेत्रफल, चलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूं आपको, परिवृत्त का क्षेत्रफल ध्यान से यहां रहिएगा, एकदम जाइएगा मत, समझ में आ जाएगा चीजें एकदम अच्छे से। परिवृत्त यानी आकृति के बाहर से बना वृत्त, आकृति के बाहर से बना वृत्त। अब मैं बात करूं इस केंद्र से, ये केंद्र बिंदु, तो केंद्र बिंदु से यहां तक अगर मैं खींचता हूं तब ये हमारी वृत्त की क्या आएगी? त्रिज्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं इसे आगे ले जाकर ऐसे मिला देता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण हो जाएगा। किसका? हमारे समषटभुज का। तो समषटभुज का विकर्ण क्या होता है? भुजा का आधा। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं समषटभुज का विकर्ण क्या होता है? भुजा का दोगुना, या फिर विकर्ण का आधा क्या होता है? भुजा होता है। और यहां पर हमारी ये क्या है? त्रिज्या है। यानी त्रिज्या जो हमारी निकल कर आ रही है समषटभुज में, त्रिज्या जो निकल कर आ रही है वह विकर्ण का आधा निकल कर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा विकर्ण है, मैंने यहां दिखाया था पूरा विकर्ण है। तो जब विकर्ण का आधा है तो विकर्ण का आधा क्या आया हमारा? त्रिज्या आया। हमारी बात समझिएगा ध्यान से, विकर्ण का आधा हमारा क्या आया दोस्तों? त्रिज्या आया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? 7 सेंटीमीटर भुजा। अब ये बात समझना जरूरी है कि ये जो हमारा समषटभुज है उसका भुजा 7 सेंटीमीटर है। ठीक, और भुजा क्या होती है? विकर्ण का आधा। भुजा क्या होती है? विकर्ण का आधा। और यहाँ विकर्ण का आधा क्या है? त्रिज्या है। यानी यहाँ पर जो भुजा है वही इसकी क्या है? त्रिज्या है। और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो आप जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर गुणे 6। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट मान रख दे रहा हूँ कड़ी में 3/4 भुजा के जगह हम क्या रखेंगे? त्रिज्या का मान, नहीं सॉरी गड़बड़ गया, हाँ। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा था कि यहां पर जो हमारी बात निकल कर आई, भुजा हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और जरा देखो भुजा हमारा क्या होता है? विकर्ण का आधा। हमारा यहां पर भी देखो विकर्ण का आधा क्या है? त्रिज्या है। यानी जो हमारी भुजा है वही इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम हो गई, कितना? इस वृत्त की त्रिज्या हमारी आ गई 7 सेंटीमीटर। और जो हमारा वृत्त का फॉर्मूला होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, और आर की जगह क्या रखेंगे? 7। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया दोस्तों। जब हम गुणा करेंगे तो 7 × 14 के 4 हाथ में लगा 1,
सात दुना चौदह, चौदह एक पंद्रह, यानी हमारा आंसर आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि 7 सेंटीमीटर भुजा का एक समषड्भुज था। समषड्भुज का परिवृत्त, परिवृत्त यानी वृत्त बाहर से बना हो, परिवृत्त यानी वृत्त कहाँ से बना हो, बाहर से बना हो। तो जब हमने वृत्त बाहर से बनाया तो ये हमारी आकृति निकल कर आई। अब हम निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या क्या है। क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना आवश्यक है। तो वृत्त की त्रिज्या हमारा क्या हो गया, इस विकर्ण का आधा, इस विकर्ण का आधा। और विकर्ण का आधा हमारा क्या है, त्रिज्या है। और विकर्ण का आधा वास्तव में क्या होता है, भुजा होता है। यानी हम कह सकते हैं इस समषड्भुज की जो भुजा है वही हमारे इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। यानी भुजा अगर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बराबर भी कितनी हो गई मेरे दोस्त, 7 सेंटीमीटर हो गई। अब फॉर्मूले में मान रख दिया, हमारा आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, समषड्भुज के, जिसमें यह अंतःवृत्त पर आधारित प्रश्न पे क्वेश्चन है। मैं पहले फिर एक समषड्भुज बना लेता हूँ बड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। 6 भुजाओं की आकृति है, अब इसके अंदर बना होगा वृत्त, ठीक है। अब वृत्त जो है इसके अंदर वृत्त बना हुआ है, ठीक। तो अब इसके अंदर वृत्त बना हुआ है तो इस पे हम ये निकालेंगे, ये हमारा होगा त्रिज्या होगा वृत्त की। तो जब अंतःवृत्त होगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है किसकी, समषड्भुज की। ध्यान दीजिएगा, समषड्भुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समषड्भुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है दोस्तों कड़ी में 3/2 भुजा बराबर आर। ये रट लीजिए आप, समषड्भुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है कड़ी में 3/2 भुजा बराबर आर। यानी अगर हमें भुजा दे रखा है समषड्भुज का, हमें कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। यानी हमें दे दिया कि इस समषड्भुज की भुजा है 14 सेंटीमीटर। तो अब हम इसके जरिए तो ये तो निकाल ही सकते हैं कि इस वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, क्या है, कड़ी में 3/2 भुजा है। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या निकल गई तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। कैसे मेरे दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर त्रिज्या आर है, वही तो निकालना है। कैसे हम निकालेंगे त्रिज्या, निकालने के लिए कड़ी में 3/2 भुजा करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कड़ी में 3/2, अब भुजा हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर बराबर क्या, आर। यानी यहाँ से हमारा निकल कर आ गया 7 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या आया दोस्तों, त्रिज्या आया। तो जब हमारी त्रिज्या निकल गई तो हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर है। तो पाई की जगह हम लोग रखेंगे 22/7, और आर की जगह क्या आया, 7 कड़ी में 3, चूंकि स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि स्क्वायर है तो 7 कड़ी में 3 का भी हम स्क्वायर कर देंगे। यानी 7 कड़ी में 3 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा 22/7, और जब 7 का स्क्वायर होगा तो 7 आपस में 2 बार गुणा होगा, और कड़ी में 3 का जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कड़ी को कैंसिल कर देगी, और यहां सिर्फ क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 7 × 21, 7 × 21। अब 21 का गुना 2 में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 7 × 21, 21 का गुना 2 में करेंगे तो 21 × 42 = 2, यानी 21 × 42 = 2, कैरी लगा 4, फिर 21 × 42, 42 × 4 = 46, यानी यहां पर हमारा आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। वह क्या आया, ये जो समषड्भुज के अंदर वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल आया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब समषड्भुज के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके पहले हमें त्रिज्या निकालनी होगी, और उस वृत्त की त्रिज्या होती है कड़ी में 3/2 भुजा। उस वृत्त की त्रिज्या होती है कड़ी में 3/2 भुजा। यहां से हमने वो निकाल लिया, और फिर क्षेत्रफल के फॉर्मूले में मान रख करके हमने उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। वीडियो 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए आप। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि अभी हमने समषड्भुज खत्म किया, हम आते हैं रास्ते वाले क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन पे। यानी कोई आयताकार जमीन है, उसके बाहरी तरफ चारों तरफ रास्ते बने हुए हैं या बैठने का क्षेत्र बना हुआ है। जैसे मैं आपके लिए चित्र बना दूं, एक ये मान लीजिए एक आयताकार क्षेत्र है, इसके चारों तरफ बाहर से, इसके चारों तरफ बाहर से बैठने के लिए एक रास्ता बना दिया गया। क्या बना दिया गया,
रास्ता बना दिया गया, बैठने के लिए कुछ बना दिया गया, तो अब इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। मैंने आपसे बताया था जब किसी खेत के बाहरी रास्ते का बैठने वाले जगह का क्षेत्रफल पूछेगा तो मैंने बोला था चौड़ाई का दोगुना कर देना। चौड़ाई मतलब जो रास्ते की चौड़ाई है, जो बैठने की चौड़ाई है, और एक तो हमारा जो खेत है उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी अलग, उसको दोगुना कर देना और ब्रैकेट में एल प्लस बी। चूंकि बाहर से रास्ता बन रहा है तो आपका खेत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपके खेत के बाहर जगह नहीं होता, आप अंदर बनाते तो आपका खेत घट जाता, लेकिन यहां पर आपका खेत इतना था, बाहर जगह बची हुई थी, बंजर भूमि था, हमने कब्जा कर लिया, तो हमारा खेत क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया तो हम रास्ते की दोगुने चौड़ाई को जोड़ देंगे, रास्ते की दोगुने चौड़ाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखते हैं यहां पर चीजें क्या क्या दे रखा है। 80 मीटर लंबा, यानी यहां पर L का मान 80 दे रखा है, 75 मीटर चौड़ा, B का मान 75 दे रखा है, और जो रास्ते की चौड़ाई दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहां पर क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा सा काम ये करना है कि जो रास्ता है W बराबर 10, उसका दोगुना कर दो, यानी 10 × 20। फिर इन दोनों को जोड़ दो, देखो लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, जोड़ देना है, तो 80 और 75 को जोड़ दो, 155। फिर रास्ते की चौड़ाई का दोगुना करके जोड़ दो, तो 10 × 20, 10 × 20, 155 और 20 जोड़ोगे तो होगा 175, कितना होगा दोस्तों, 175। और जब 20 का गुणा कर दोगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, जीरो पहले से लग जाएगा, 2 × 5 = 10 के जीरो हाथ में लगा एक, 2 × 7 = 14, 1 × 15 = 5 हाथ में लगा एक, 2 × 1 = 2, 3, यानी 3500 मीटर स्क्वायर इस जगह का, बैठने वाले जगह का क्षेत्रफल आया है 3500 मीटर स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिएगा जब रास्ता खेत से बाहर बनेगा तो दोगुना चौड़ाई जुड़ जाएगी, और जब रास्ता खेत के अंदर बनेगा तो दोगुना चौड़ाई घट जाएगी। मैं वीडियो को पास से करने के लिए पॉज करता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो रास्ता अंदर से बना हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक आयताकार खेत बनाता हूँ पहले, और जो रास्ता मेरा है वो मैं अंदर से बनाता हूँ, ये रास्ता मेरा अंदर से बना हुआ है, ठीक, ये मेरा रास्ता डॉट डॉट करके बना दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाए कि ये रास्ता है, ये रास्ता अंदर से बना है, तो ये रास्ते की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, ब्रिथ हो गया। अब टोटल जमीन की जो चौड़ाई हो गई वो 180, लंबाई 180 हो गई, चौड़ाई 125 हो गई, और रास्ते को दे रखा है 8 मीटर। क्वेश्चन सेम है, बस पिछले क्वेश्चन में रास्ता बाहर था, इस वाले क्वेश्चन में रास्ता कहाँ है, अंदर है, कहाँ है रास्ता, अंदर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, दोगुना चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि रास्ता अंदर बना है तो खेत क्या हो जाएगा, कम होगा, खेत क्या होगा, तो जब कम होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी दोगुना चौड़ाई घटा देंगे हम। तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, 8 है तो 8 × 16, और लंबाई और चौड़ाई जोड़ दें अगर हम तो 330 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा 330 हुआ, और फिर 8 × 16 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 330 में से अगर 16 घट रहा है मेरे दोस्तों तो 314 आएगा, कितना आएगा भाई, देखो 15 घटा दो तो 315, एक और घटा दो 314, यानी यहाँ पर हमारा हो गया 314। अब 16 का गुणा कर देना है, 16 × 64, 64 × 4 हाथ में लगा 6, 16 × 1 = 16, 16 × 6 = 22, 22 × 2 हाथ में लगा 2, 16 × 3 = 48, 48 × 2 = 50, यानी यहाँ पर हमारा आया आंसर 5024 मीटर स्क्वायर। ये अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल है, ये अंदर बने रास्ते का क्या है, क्षेत्रफल है। बस वैल्यू रखना है, अगर आपको ये याद है तो रटना भी नहीं है, आपको बस ये समझना है कि रास्ता अंदर बना है कि बाहर। जब रास्ता आपके खेत के अंदर बनेगा तो आपकी जमीन कम हो जाएगी, जब जमीन कम हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जब रास्ता बाहर बनेगा तो जमीन बढ़ जाएगी, और जमीन बढ़ जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मैं वीडियो पास करता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए आप दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 150 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा आयताकार खेत है, मैं बना लेता हूँ पहले।
ये हमारा 150 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा आयताकार खेत है, बीचों बीच परस्पर लंबवत, यानी ये हमारा रास्ता बना है। ये समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़ा, यानी यहाँ पर जो ये रास्ता है, रास्ते की चौड़ाई दे दिया है 10 मीटर। तो 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से रास्ते पर गिट्टी कुटवाया जा रहा है, गिट्टी डाला जा रहा है, तो उसका खर्च बताइए। तो पहले तो ये निकालें कि गिट्टी कितने क्षेत्रफल में डाली जा रही है, गिट्टी कितने क्षेत्रफल में डाली जा रही है। तो जब मैंने बोला था समकोण वाला होगा, तो वहाँ पर W दो बार नहीं, सिर्फ एक बार लेंगे, ठीक। W कोष्टक में L प्लस बी, यहाँ पर भी देखो रास्ता कहाँ बन रहा है, आपके खेत के अंदर। तो जब खेत के अंदर बन रहा है तो आपका खेत क्या हो जाएगा, कम। तो जब कम होगा तो क्या करेंगे, रास्ते की चौड़ाई माइनस कर देंगे। ये इसके लिए फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर अगर मैं रखूँ W का मान कितना है, 10 है, और यहाँ पर 150 20 कितना हो जाएगा, 270, और 270 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जोड़ करके दोस्तों, अलग अलग लिख नहीं रहा हूँ। 150 120 को जोड़ दिया 270, और W 10 घटा दिया हम लोग, ठीक है। तो 10 270 में से 10 गया, कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। जब यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2600 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते 2600 मीटर स्क्वायर गिट्टी इस पर डलवाई जाएगी, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना आ रहा है, 2 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना आ रहा है, 2 रुपया। और कुल कितना मीटर स्क्वायर है, 2600 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर 2 रुपया, तो 2600 मीटर स्क्वायर पर 26 गुना 5200 रुपया, 26 गुना 5200 रुपया खर्च होगा। भाई सीधी सीधी बात है, पूरा रास्ता कितना, 2600 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर पर क्या रुपया लग रहा है, 2 रुपया। तो 1 मीटर स्क्वायर पर 2 रुपया लग रहा है, 2600 मीटर स्क्वायर पर 26 गुना 5200 रुपया लगेगा। यहाँ पर ये बात हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे बताऊं दोस्तों कि हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट पे, रास्ते की चौड़ाई पे पढ़ा था, क्षेत्रफल कि रास्ता बाहर होगा अंदर होगा बीचों बीच होगा तो कैसे निकालेंगे, सब षटभुज पढ़ा था, त्रिज्यखंड पढ़ा था, अर्धवृत्त पढ़ा था, वृत्त पढ़ा था, उस पर आधारित सारा क्वेश्चन हमारा हो गया। 14 क्वेश्चन में ये सिमट गया है। आप पेन कॉपी लेकर आराम से इसको नोट करिए दोस्तों। आज रीजनिंग की क्लास नहीं चलेगी, मिलते हैं आपको हम अगले दिन अगले वीडियो में। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएं, और आप इस लॉकडाउन के पीरियड में इतना पढ़ाई करें कि लॉकडाउन के बाद अगर कोई भी परीक्षा होती है तो आपको सफलता जरूर मिले दोस्तों। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी। जय हिंद, जय भारत।